सबसे तेज खबर जब दूध। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। रंगदारी मामले में 12 घंटे के अंदर एक महिला समेत दो अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। देखिए अतीश दीपांकर एवं श्यामानंदन सिंह की एक रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस ने भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा के पिता और प्रसिद्ध व्यवसायी हरिओम लक्ष्मी नारायण से रंगदारी मामले का पट्टाक्षेप करते हुए महज 12 घंटे के अंदर एक महिला समेत दो अपराधी को धर दबोचा। दरअसल डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के पिता हरिओम वर्मा के फोन पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा मैसेज के माध्यम से 50 लाख रुपये रंगदारी देने का अथवा दुकान सहित उड़ान देने की धमकी दी गई, जिसके बाद सीनियर SP आशीष भारती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CT SP सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन का किया। विशेष टीम के ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर रंगदारी मामले में प्रयुक्त मोबाइल एवं सिम कार्ड सहित इसमें शामिल अपराधियों को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजा नगर पुरेनी निवासी मोहम्मद मकसूद अंसारी के बेटे मोहम्मद अब्दुल कादिर व मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बेटी सकीफा को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने रंगदारी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों में प्रेम प्रसंग था, रंगदारी के रुपया मिलने के उपरांत भागकर शादी करने की साजिश रच रहे थे। दिनांक 14/7/20 को जबसर थाना क्षेत्र के निवासी तथा व्यवसायी हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के मालिक से को उनके मोबाइल नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेज करके 50 लाख रुपए की डिमांड किया गया था तथा नहीं देने पर दुकान से उड़ा देने की धमकी का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले को भागलपुर पुलिस के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें DSP City एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे। इनके द्वारा तकनीकी अनुसंधान करते हुए छापामारी करके दो व्यक्तियों को, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर तथा बीबी सफी का, इनको घटना घटित होने के करीब 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जिस मोबाइल से उन्होंने रंगदारी वाला मैसेज भेजा था वो भी बरामद किया गया है और वो मैसेज भी प्राप्त कर लिया गया है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने रंगदारी कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों जो अभियुक्त हैं वो उनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा वो इससे जो पैसा प्राप्त था उससे वो भाग करके शादी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इस प्रकार से भागलपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो भी शामिल अभियुक्त थे अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना न भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।